Hare Krishna, and a very good morning to your students. Students, today we will read the 6th chapter of English 1 book about the Jurassic Age. ठीक है? About the Jurassic Age means जिस टाइम पे Jurassic dinosaurs होते थे, उस एज को बोला जाता था Jurassic Age. ठीक है? तो about the Jurassic Age means Jurassic Age के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ठीक है? अबाउट द लेसन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिस लेसन इज अबाउट द डायनासोर्स द क्रीचर ऑफ द एंशियंट टाइम. दिस लेसन इज अबाउट द डायनासोर्स. ये लेसन किसके बारे में है, डायनासोर्स के बारे में है. द क्रीचर मीन्स प्राणी ऑफ द एंशियंट टाइम, एंशियंट मीन्स प्राचीन समय के, प्राचीन समय में जो प्राणी हुए हैं डायनासोर्स उनके बारे में ये लेसन है. बट इन द प्रेजेंट एज नो डायनासोर्स लेफ्ट ऑन द अर्थ. लेकिन इस टाइम पे, प्रेजेंट एज मीन्स इस टाइम पे, अभी वर्तमान युग में नो डायनासोर्स लेफ्ट ऑन द अर्थ, अभी कोई भी अर्थ पर कोई भी डायनासोर्स नहीं बचे. ठीक है? हैव अ ट्रिप टू द म्यूजियम विद योर पेरेंट्स एंड हैव अ लुक एंड वंडर अबाउट देयर साइज. हैव अ ट्रिप टू द म्यूजियम मतलब आप अपने मम्मी पापा के साथ एक जाइए, म्यूजियम में जाइए विद योर पेरेंट्स अपने मम्मी पापा के साथ में, एंड हैव अ लुक और वहां पर जाकर देखिए, एंड वंडर अबाउट देयर साइज, देखिए वहां पर जाकर कि वो कितने बड़े होते थे डायनासोर्स. ठीक है? आप म्यूजियम में जाकर देखिएगा डायनासोर्स का क्या साइज होता था. ठीक है? और आज इस लेसन में भी हम उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि क्या साइज होता था, कितने बड़े होते थे. ठीक है? चलिए लेसन पढ़ना शुरू करते हैं. द प्रेजेंट एज इज ट्रूली कॉल्ड द एज ऑफ मैन. प्रेजेंट एज मीन्स वर्तमान युग, ट्रूली कॉल्ड पूरी तरह से उसको बोला जाता है द एज ऑफ मैन, आदमियों का युग बोलते हैं इसको. ठीक है? बिकॉज मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर ऑफ दिस वर्ल्ड. क्योंकि मैन सबसे ज्यादा, मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान क्रीचर मीन्स प्राणी है इस संसार का, इसीलिए प्रेजेंट एज को एज ऑफ मैन बोला जाता है. इट इज देयर इंटेलिजेंस दैट हेल्प्स मैन टू डोमिनेट एंड रूल ओवर द होल लिविंग किंगडम. इट इज देयर इंटेलिजेंस. क्यों मैन जो है वो मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर है, क्यों इंटेलिजेंट है, बिकॉज इट इज देयर इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता. हम लोग मैन पर्सन आदमी लोग हमारी बुद्धिमानी से कितने सारे काम करते हैं ना, तो इट इज देयर इंटेलिजेंस दैट हेल्प्स मैन टू डोमिनेट. कि हम आदमी को डोमिनेट मतलब कि वो शासन करना कर पाना, एंड रूल ओवर द होल लिविंग किंगडम, और पूरा ये जो लिविंग किंगडम है, संसार है, उसके ऊपर मैन डोमिनेट कर पा रहा है बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस. ठीक है? अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से हम इस संसार में कितनी सारी चीजें करते हैं, और उसी वजह से आदमियों की वजह से ही दुनिया चल रही है ना, जानवरों से तो नहीं चल रही, एनिमल से तो नहीं चल रही. इसीलिए मैन को मोस्ट डोमिनेटिंग पर्सन है इस एज का. ठीक है? ही हैज स्केल्ड द हाईएस्ट माउंटेन्स. स्केल्ड का मीनिंग है टू क्लाइंब अप हाई वॉल, मतलब किसी भी ऊंची दीवार पर चढ़ना, माउंटेन्स पर चढ़ना. तो आदमी ने क्या करा, ये स्केल द हाईएस्ट माउंटेन्स. कुछ आपने पढ़ा होगा कि पहले के टाइम पे जो सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने वाले, पहाड़ों पर चढ़ने वाले कुछ लोग भी हुए हैं, है ना? तो उन लोगों ने, आदमी ने ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़े हैं, बिल्ट ब्रिजेस, ब्रिजेस मीन्स पुल बनाए आदमियों ने ओवर द माइटी रिवर्स, इतनी बड़ी बड़ी नदियां जिनके ऊपर पुल बनाए, एंड मेड हिज वे थ्रू द डेजर्ट्स एंड सीज. और हमारे जाने का रास्ता, मतलब रास्ते कहाँ कहाँ से बना, डेजर्ट से भी, रेगिस्तान में से भी रास्ते बनाए, एंड द सी, समुद्र में से भी ब्रिजेस बनाए हैं, एंड वे बनाया है. तो ये मैन का इंटेलिजेंस है ना, कि जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें दुनिया में बनी है. ठीक है? बट थिंग्स वर नॉट द सेम इन द एंशियंट टाइम्स. लेकिन ये चीजें इस तरह से प्राचीन समय में ऐसा नहीं था. अराउंड 230 million ईयर्स एगो द वर्ल्ड वॉज रूल्ड बाई जाइंट रेप्टाइल्स. 230 million ईयर्स एगो, 1 million ईयर, 1 million इज इक्वल टू द 10 lakh. ठीक है? अब आप सोचिए 230 million ईयर्स मीन्स 230 इंटू आप 10 करेंगे तो उतने लाख मिलियन, उतने लाख ईयर्स पहले क्या था, द वर्ल्ड वॉज रूल्ड बाई जाइंट रेप्टाइल्स. उस संसार पे किसका शासन था, जाइंट बड़े बड़े रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स एक स्पीसीज होती है एनिमल्स की, जैसे छिपकली आपने देखी होगी, लिजार्ड वो एक रेप्टाइल है, जिनको रेंगने वाले जानवर बोला जाता है.
ठीक है, तो जो डायनासोर भी थे ना वो भी रेप्टाइल्स कैटेगरी में आते थे, ठीक है। इट लास्टेड अप टू 65 मिलियन ईयर्स एगो, और कब तक वो जिंदा रहे ये जाइंट रेप्टाइल्स, 65 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब अभी से लेके 65 मिलियन ईयर्स के पहले तक वो जाइंट रेप्टाइल्स जिंदा थे। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द जुरासिक एज, और उस एज को कौन सी एज बोला जाता था, जुरासिक एज बोला जाता था, बिकॉज एट दैट टाइम डायनासोर्स वर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दैट एज वाज कॉल्ड जुरासिक एज। ओके, दीज जाइंट रेप्टाइल्स आर कॉल्ड डायनासोर्स, इन जाइंट रेप्टाइल्स को क्या बोलते थे, डायनासोर्स बोला जाता है, ठीक है। रेप्टाइल्स का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, जो एनिमल्स जमीन पर रेंग के चलते हैं ना, दैट आर कॉल्ड रेप्टाइल्स, जैसे क्रोकोडाइल, लिजर्ड, ये अभी हैं ये वाले रेप्टाइल्स, वो अभी जिंदा क्यों है वो भी इस लेसन में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द वर्ड डायनासोर मीन्स अ वेरी बिग फियरफुल लिजर्ड, द वर्ड डायनासोर, ये डायनासोर जो वर्ड है इसका मतलब है अ वेरी बिग फियरफुल लिजर्ड, वेरी बिग मीन्स बहुत बड़ी, फियरफुल मीन्स डरावनी, लिजर्ड मीन्स छिपकली, ठीक है। द डायनासोर्स वर रिलेटेड टू द प्रेजेंट डे क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स, और ये जो डायनासोर्स हैं ये किसको रिलेट करते हैं, जो अभी के टाइम में जो क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड है उनकी ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स भी रेप्टाइल्स फैमिली के थे, रेंगने वाले जानवर थे, बट डायनासोर्स जो थे वो रेंगते नहीं थे, क्रॉल नहीं करते थे, बट दे रिलेट टू द फैमिली ऑफ क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स। ओके, द वर्ल्ड इन द जुरासिक एज मे बी कॉल्ड एज द जुरासिक पार्क, जो जुरासिक एज में जो वर्ल्ड था, संसार था, उसको हम क्या बोल सकते हैं, जुरासिक पार्क भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम सो मेनी डायनासोर्स वर इन दिस वर्ल्ड, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट दिस, वी कैन कॉल द वर्ल्ड एट दैट टाइम, वी कैन कॉल द वर्ल्ड जुरासिक पार्क ऑल्सो, ठीक है, इसको बोला जा सकता था जुरासिक पार्क भी। बिसाइड्स जाइंट रेप्टाइल्स इट कंटेन द फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स, जाइंट रेप्टाइल्स के अलावा, इन डायनासोर्स के अलावा उस एज में क्या थे, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स की वो वाले पौधे भी थे जिनमें फूल आते थे, सबसे पहले वो पौधे, वो वाले पौधे जिनमें फूल आए थे वो वाले पौधे भी उस टाइम पे थे। कोन बेयरिंग प्लांट्स, कोई ऐसे कोन शेप के फ्लावर्स होते हैं, कुछ हार्ड फ्लावर्स होते हैं, तो उस तरह के प्लांट्स भी उस टाइम पे थे। एंड न्यूमरस इंसेक्ट्स, न्यूमरस मीन्स अलग अलग तरह के, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े भी थे उस समय, ठीक है। देयर वर क्रोकोडाइल्स ऑल्सो, और उस टाइम पे क्रोकोडाइल्स भी थे, मगरमच्छ भी थे, ठीक है। इन द जुरासिक एज द अर्थ वॉज क्वाइट वार्म, जुरासिक एज में जिस टाइम पे जो डायनासोर्स थे उस टाइम समय पर जो अर्थ थी, हमारी जो लैंड है, अर्थ पृथ्वी है, इट वॉज क्वाइट वार्म, कुछ मतलब काफी थोड़ी गर्म थी उस टाइम पर अर्थ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स वर लैंड एनिमल्स, और जो मोस्ट डायनासोर्स थे वो कैसे एनिमल्स थे, लैंड एनिमल्स मीन्स पानी में रहने, जमीन पर रहने वाले जानवर थे। दे लिव्ड इन वेटलैंड्स ऑफ नियर द रिवर्स, और वो कहाँ रहते थे, रिवर्स के पास में, गीली जमीन जो होती है, गीली लाइक वेट लैंड्स होती थी, वो थोड़े थोड़े से वेट होना चाहिए था उन लैंड्स को, तो वहां पर वो लोग रहते थे, ठीक है। सम लिव्ड इन वाटर, और उनमें से कुछ पानी में रहते थे, कुछ वेट लैंड्स में रहते थे। सम ऑफ देम कुड इवन फ्लाई, अब आप ये सोचो कि वो डायनासोर्स इतने बड़े बड़े साइज के और वो उड़ भी सकते थे, ठीक है। सम ऑफ देम कुड इवन फ्लाई, दे कुड फ्लाई ऑल्सो, ओके। मैनी ऑफ देम वर क्वाइट बिग, वर वेरी बिग, वाइल्ड सम वर क्वाइट स्मॉल, मैनी ऑफ देम मीन्स बहुत सारे तो उनमें बहुत बड़े थे, बहुत बड़े बड़े साइज के थे, वाइल्ड सम वर क्वाइट स्मॉल, ठीक है, कुछ में से कुछ छोटे छोटे भी थे, सभी बड़े नहीं थे, मोस्टली बड़े थे, बट कुछ साइज में छोटे डायनासोर्स भी, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हम इस लेसन को यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का लेसन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखकर, आज हमने ये जितना भी यहाँ तक पढ़ा है उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ओके। और इससे रिलेटेड अगर मैं कुछ वर्क आपको देती हूँ तो वो वर्क करके भी आप मेरे को टाइम से सबमिट करिएगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।